नमस्कार दोस्तों दोस्तों सिंह राशि के विषय में बात करने के लिए सामने हूं आपके। सबसे पहले सिंह राशि के विषय में चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे सिंह राशि के नौकरी और बिजनेस के विषय में। सिंह राशि के जो जातक हैं, थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम की वजह से, थोड़ा घमंड के कारण या अपने गुस्से को अहंकार के रूप में आपने थोड़ा सा प्रस्तुत लोगों के सामने करना शुरू कर दिया है, जैसे आप नहीं हैं। आप बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, आपकी डिसीजन पावर बहुत अच्छी है। आप जो भी डिसीजन लेते हैं उनमें आपको विशेष लाभ मिलते हैं। यदि आप किसी अपने मित्र की या अपने भाइयों की या अपने पिता के किसी भी कार्य क्षेत्र में आप उन्हें सलाह देते हैं तो वह सलाह उनके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। साथ ही साथ सिंह राशि वाले जातक फिलहाल वर्तमान समय में बहुत ही अच्छी परिस्थितियां हैं, शुभ हैं, लेकिन पुराने समय की खराबी की वजह से आप उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं जितना आपको अच्छा करना चाहिए। आपको लाभ मिल सकते हैं, लेकिन लाभ तभी मिलेंगे जब आप वर्तमान की स्थितियों को अच्छा करने का प्रयास करना शुरू कर देंगे। पहले समय में हो सकता है किसी को धन दिया था, वह फंस गया था, लेकिन वर्तमान जो समय है बहुत ही शुभ है। उस धन की अचानक से हो सकता है आपको वापस मिल जाए। हो सकता है किसी भी प्रकार का यदि आप बिजनेस करते हैं तो उसमें कोई डील आपको हो जाए, जिसकी वजह से यह दिवाली आपकी बहुत ही शुभ बन जाए। फिलहाल परिस्थितियां आपके मुट्ठी में हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य के विषय में बात करेंगे। स्वास्थ्य आपका बहुत उत्तम है, बहुत ही अच्छा है, एनर्जी है, ऊर्जावान व्यक्ति हैं, लेकिन कुछ आलस्यता की अधिकता के कारण फिलहाल आपने अपने आप को थोड़ा सा आलसी बना लिया है और इसी आलस्यता की वजह से कुछ चीज़ें हैं जो छूटती चली जा रही हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की थोड़ा आवश्यकता है। साथ ही साथ इसी आलस्य की वजह से आपके अपने भी आपसे कुछ दूरियां बना रहे हैं। आपके पुराने दोस्त जिनको आप भूल गए हैं, उनसे आप बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, उनको समय नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है कि यदि वह बातचीत करेंगे आप उनसे या उनको समय देते हैं तो आपके कोई बिगड़े हुए काम या पुरानी कोई कुछ अटकी हुई चीज़ें आपकी अपने आप बन जाएं। कुल मिलाकर सिंह राशि वाले जातक इस नवंबर माह में यदि अपने दोस्तों से किसी भी प्रकार की सलाह ना देने की बजाय यदि आप सलाह लें तो आपकी समस्या हल हो सकती है। इसके साथ साथ माता और पिता की सेवा अवश्य करिए, क्योंकि फिलहाल वर्तमान जो स्थिति है उसमें माता पिता को थोड़ा सा नकार रहे हैं। उतना समय आप उनको नहीं दे पा रहे हैं जितना समय देना चाहिए। ईश्वर की प्रार्थना करना बहुत शुभ है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन उससे भी अच्छा है कि अपनी माता पिता की आप सेवा करें, आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ सिंह राशि वाले जो जातक हैं, गुस्से पर कुछ कंट्रोल करें। परिवार में कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उस असमंजस को संतुलित करें, सामान्य करें, व्यवहार में थोड़ा सा सहजता और सजगता लाएं, थोड़े से शांत होने का प्रयास करें और अपनी जो भी कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करते जाइए। आपको इस माह अवश्य ही सफलता मिलेगी। सिंह राशि वालों के लिए मैं एक विशेष उपाय बताऊंगा। उस विशेष उपाय को करने के बाद आपके जीवन में समस्याएं आएंगी ही नहीं, और केवल वह उपाय नवम्बर माह में ही करना है। उससे पहले आज हम बात करेंगे विदेश यात्रा के विषय में। तो सिंह राशि वाले जातक यदि कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं या कहीं से कुछ ऐसे परिणाम आपके सामने आ रहे हैं जिनकी वजह से विदेश यात्रा जाने का मौका आपको मिल रहा है, उसको कुछ समय के लिए टालें, दिवाली के बाद जाने का प्रयास करें। दिवाली के बाद यदि आप जाते हैं तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। फिलहाल परिस्थितियां उतनी अच्छी नहीं है कि आप विदेश जाकर के बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकें। यदि आप अपने घर से दूरियां बनाने का प्रयास कर रहे हैं वह आपको नुकसान कर सकती हैं। घर के बाहर कुछ नौकरी करने का आपके सामने विचार है तो उसको थोड़े समय के लिए त्याग दीजिए। दिवाली के लगभग 2 या 3 या 4 दिन के बाद आप अपने किसी भी प्रकार के घर से बाहर जाने का कोई भी कार्य है उसको आप कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। सिंह राशि वाले जातक बहुत ही संतुलित हैं, लेकिन फिलहाल की जो अच्छाइयां हैं उनको आप अपने अंदर समाहित करने का प्रयास करिए। अपने अंदर उन अच्छाइयों को लाना शुरू करिए, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। सिंह राशि के जो भी जातक हैं उनके मित्र और परिवार, इन दोनों के बीच में असमंजस है और सामान्य रूप से उस असमंजस को दूर करने के लिए आपको थोड़ा सा समय लगेगा। फिलहाल नवंबर माह में
आप बिल्कुल शांत रहें और अपने कार्य को सफलताओं में बदलने के लिए मेहनत और प्रयास करना शुरू कर दीजिए। इसके साथ साथ यदि आप किसी भी प्रकार का कोई विचार या किसी भी प्रकार की कोई अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो हमसे संपर्क सूत्र के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। पुनः अगले माह आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।